Hello everyone, in this video we will study cross-aldol condensation. When aldol condensation is carried out between two different aldehydes or ketones, तब उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. जैसे यहाँ पर एक एसिटल्डिहाइड है और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, तो इसलिए क्रॉस एल्डोल है ये. अगर दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के ही होते तो उसको बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन. यहाँ पर देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर चला जाएगा, रिमेनिंग पार्ट इस कार्बन पर चला जाएगा. डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट ही बन जाएगा. एसिटल्डिहाइड के अगर हम टू मॉलिक्यूल लेते तो प्रोडक्ट बनता सिंपल एल्डोल प्रोडक्ट, तब ये बनता. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, ठीक है. यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग प्रोडक्ट, रिमेनिंग पार्ट जो है ये कार्बन पर चला जाएगा और ये प्रोडक्ट बन गया NaOH की प्रेजेंस में. फिर H2O रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, ये सिनामल्डिहाइड बन गया, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. अब देखिए ये है बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन. यहाँ पर एल्कोहलिक NaOH 293 कार्बन टेम्परेचर पर डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनेगा, H2 यहाँ से रिमूव होगा और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और दोनों ये बना लेंगे क्या, बेंजल एसीटोफिनॉन. ओके, H2O रिमूव हो गया, H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन. In such type of small videos, we will cover the complete syllabus of PCB. Okay, if my videos are helpful for you, then please subscribe this channel, Learning Point. Thank you.